हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर अभी तक हम लोगों ने बात की थी अबाउट एन फैक्टर कैलकुलेशन, कैसे हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसका नाम है नॉर्मैलिटी। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मैलिटी क्या होती है, कैसे हम नॉर्मैलिटी को डिफाइन करते हैं, और मैंने आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिखाए थे जो आपको अच्छी तरह याद होंगे। जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो था मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो था मोल्स इनटू एन फैक्टर, और जो थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, हाँ वेरी गुड, वो क्या था, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ एक चीज मैंने आपको ध्यान रखनी हो गई थी कि वॉल्यूम अगर लीटर में है तो हमें क्या मिलेंगे, मोल्स। अगर हमने यहाँ पर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में यूज किया है तो हमको यहाँ पर क्या मिलते हैं, सॉरी मोल्स नहीं, इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स। तो जब वॉल्यूम लीटर में है तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, जब वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। ठीक, चलो तो यहां तक डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मैंने आपसे लास्ट क्लास कहा था कि मैं आपको नॉर्मैलिटी के बारे में और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और आगे का आपका पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट कंसेप्ट। देखो इस कंसेप्ट के कोर को समझने की आप कोशिश करें, एक बार आपने इस कंसेप्ट के बेसिक सीख लिए तो फिर इसको यूज करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान होता है और ये क्वेश्चन को भी बहुत आसान कर देता है। ऑल्दो रिडॉक्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन मिल सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के सॉल्व करोगे ना तो बड़ी आसानी से आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के कुछ तीन चार पॉइंट्स होते हैं जो मुझे आपको सिखाने। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको एक सिखाऊं, मान लो एक रिएक्शन है आपके पास, कुछ N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ये एक रिएक्शन है जहां पर A के कुछ मोल B के कुछ मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, C के कुछ मोल्स प्लस D के कुछ मोल्स। अब अगर मैं इस रिएक्शन पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाऊं तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट यहां पर क्या कहता है, देखो इक्विवेलेंट कंसेप्ट को ना ये कोएफिशिएंट मोल्स से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहां लिखा रिएक्शन ये कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन है। ठीक, तो जब हम इस रिएक्शन पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे तो आप सबसे पहली बात ध्यान रखना, आपको कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होगा। कैसे, अभी बताता हूं, लेकिन पहले इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीख लो। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे यहां पर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा इक्विवेलेंट्स ऑफ ए किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। जितने इक्विवेलेंट्स ए के रिएक्ट कर गए उतने ही इक्विवेलेंट्स किसके रिएक्ट करेंगे, बी के। बात समझ में आ रही है, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो जितने इक्विवेलेंट ए के हैं उतने ही इक्विवेलेंट बी के होंगे। ऐसे ही इनसे जो चीज बन रही है प्रोडक्ट्स, कौन कौन बन रहा है, सीओडी। तो इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, सी और डी, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। तो बस यही होता है आपका सिंपल सा इक्विवेलेंट कंसेप्ट कि अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम। उनसे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके इक्विवेलेंट्स भी रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स के बराबर ही होंगे, यानी सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। बस यहीं से अपना इक्विवेलेंट कंसेप्ट बनता है, और आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो हमेशा दोनों के इक्विवेलेंट्स के बराबर अमाउंट रिएक्ट करेगा। दोनों के रिएक्ट करने वाले इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम। अगर इस रिएक्शन में ए के इक्विवेलेंट 5 है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कोएफिशिएंट बी के इक्विवेलेंट्स भी कितने होंगे, 5। अब डाउट ये आता है कि ये इक्विवेलेंट कौन से चिड़िया है, ना बेसिकली क्या था, मोल्स आपको दिखाई दे जाते हैं लेकिन इक्विवेलेंट्स पता नहीं क्यों हमें लगता है यार पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। तो अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं इक्विवेलेंट्स का और इक्विवेलेंट्स बराबर होने का। आप सोचो अभी एक यूएस डॉलर की रेट मान लो 70 INR है, ठीक है। अब एक आदमी है, एक आदमी के पास कुछ, मैंने बोला कि मान लो 7 की जगह छोड़ो, सिंपल लेते हैं, एक आदमी के पास $100 है। ठीक, एक आदमी है ए,
उसके पास $100 है, सही है। एक आदमी है बी, एक आदमी है बी, उसके पास 77,000 रुपीज है। कितने रुपीज है? 7,000 रुपीज है। तो एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, इसके पास $100 है, इसके पास 7,000 रुपीज है। बताओ दोनों के पास मनी मनी सेम है या अलग अलग है? सेम है। क्यों सेम है? इसके पास $100 है, $1 70 रुपीज का है, तो $100 कितने हो गए? 7,000 रुपीज। आपको क्या करना है, ये मान लो इंडिया आया, ये अमेरिकन था, घूमने इंडिया आया, इसने कन्वर्जन कराया तो $100 दिए इंटू 70, इसको कितने मिल गए? 7,000 रुपीज मिल गए। और ये भाई साहब पहले से इंडिया में थे, इनके पास भी 7,000 रुपए। तो अल्टीमेटली दोनों के पास मनी सेम है, ऑल्दो जो उनके पास करेंसी है उसकी वैल्यू अलग अलग दिख रही है, यहां पर 100 है, यहां पर 7,000 है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि $100 इज इक्वलेंट टू 7,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब डॉलर में 100 ले लो और रुपीज में 7,000 ले लो, दोनों क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, बराबर होते हैं। इतने डॉलर से आपको इतने रुपए मिल जाएंगे या फिर इतने रुपए से आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे, ये होता है इक्विवेलेंट का मतलब। बात समझ में आई? ये तो फिजिकल लाइफ में हुआ। इसको अगर अपन केमिकल रिएक्शन में लेकर चलें तो हम इक्विवेलेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखो जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक। तो इस रिएक्शन में मैं क्या बोल सकता हूं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, कि इक्विवेलेंट्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू, कभी भी गलती से भी कोफिशिएंट मत ले लेना, कोफिशिएंट अब कहां पर लेते हैं? मोल्स में। तो क्या बोलेंगे, यहां पर जितनी भी N2 रिएक्ट कर गई, जैसे मान लो N2 ने यहां पर रिएक्ट किया, मैं आपको मास देता हूं 56 ग्राम N2 यहां रिएक्ट कर रही है, ठीक। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू क्या होंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ H2, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि हम यहां से बता सकते हैं कि N2 के 56 ग्राम के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मास कितना होगा, है ना, बराबर। कि 56 ग्राम नाइट्रोजन अगर इस रिएक्शन में रिएक्ट कर रही है तो उसके इक्विवेलेंट कितनी हाइड्रोजन यहां पर रिएक्ट कर रही होगी, उसे हम इक्विवेलेंट कांसेप्ट से बता सकते हैं। कैसे? आप देखो थोड़ा ध्यान से, इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन का मैं क्या लिखूंगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या बनेगा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आएगा ऊपर। तो देखो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन जा रहा है 0 से -3, बताओ कितने का चेंज? 3 × 2 कितना आ गया? 6 × 6 करो। दिस विल बी इक्वल टू WH2 अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास 2 × हाइड्रोजन का एन फैक्टर 0 से हाइड्रोजन जा रहा है +1 में, 1 का चेंज 2 हाइड्रोजन इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पे आप कैंसिल करो, 2 × 3 = 6 = 14 = 28। तो यहां से अगर आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो तो बन जाएगा 56 × 3 = 8 168 / 40। तो यहां पर 56 ग्राम नाइट्रोजन किसके इक्विवेलेंट है? 168/14 ग्राम के इक्विवेलेंट है। तो ये होता है इक्विवेलेंट का मतलब, कि एक सब्सटेंस का इतना मास दूसरे सब्सटेंस के कितने मास के इक्विवेलेंट है। यहां से हम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट निकालते हैं। और बस आपको ये सब याद नहीं रखना है, तो मैंने आपको समझाया कि इक्विवेलेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, ताकि अभी देख सको कि हाँ यार इक्विवेलेंट्स ऐसे बराबर करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही आती है भाई, जब तक आपको ये टॉपिक का फील ही नहीं है, जब तक आपको पता ही नहीं है इस टर्म का मतलब क्या है, तो उसको यूज कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये था आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट किसी भी रिएक्शन में। मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ इतनी सी चीज है, डॉलर रुपए सब उड़ा दो, सब आ जाएंगे बाद में। अब आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि किसी भी रिएक्शन में अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है तो उन दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे, इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके इक्विवेलेंट्स भी रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स के सेम होंगे। तो एक टाइप तो हुआ ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यूज करने का। दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, दैट इज सेकेंड पॉइंट इज, इफ अ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स, मतलब कैसे एक सब्सटेंस है ए रिएक्ट्स विद टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, बी एंड सी, ठीक। तो आपका एक सब्सटेंस है ए,
ये सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस बी से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी रिएक्ट कर रहा है तो ये इससे डिफरेंट है, है ना। यहां पर ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे थे, यहां पर क्या होगा, एक सब्सटेंस आपने लिया ए, वो एक दूसरे सब्सटेंस बी से भी रिएक्ट कर रहा है और एक तीसरे सब्सटेंस सी से भी रिएक्ट कर रहा है। तो बताओ आपने यहां पर जितना भी ए यूज किया होगा बताओ वो किस किस के काम में आएगा, वो थोड़ा पार्ट बी के काम में आएगा और थोड़ा पार्ट किसके काम में आएगा, सी। तो यहां पर आप यू नहीं बोलोगे कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी, नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ बी के काम नहीं आ रहा, वो मिलाकर बी और सी दोनों के काम में आ रहा है। तो उस केस में आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट कैसे लगाओगे, आप बोलोगे कि भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ ए जितने भी काम में आए उसका कुछ पार्ट कौन यूज कर रहा होगा, बी, प्लस कुछ पार्ट कौन यूज कर रहा होगा, सी। तो जब एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है तो उस केस में हम दोनों सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स को ऐड करेंगे और वो जिससे रिएक्ट कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे। आती बात समझ में? तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें इनको यूज किया करेंगे। ठीक, कॉपी करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर सीखनी है, ये ना आपके आगे चल के काम में आएगा न्यूमेरिकल्स में, पर मैं आपको यहां बता देता हूं ताकि आपको ये चीज फील रहे कि हमने पहले सीखा हुआ है। इसमें क्या होता है, अपन सीक्वेंशियल रिएक्शंस की बात करते हैं, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको दी होगी। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट फर्दर किसी और रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। कैसे, जैसे एक रिएक्शन है ए गोज टू बी प्लस सी, अब यहां पर जो सी बना हो सकता है वो सी किसी और डी से रिएक्ट करके क्या बना ले। तो कई बार आपको ऐसे केस भी मिल सकते हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आपको वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना है लेकिन दो बार। तो पहले आप इस रिएक्शन के लिए बात करो, देखो अगर ए से बी और सी बन रहा है, ठीक, जरूरी नहीं ए से बने, या ए प्लस बी गिव सी प्लस डी भी हो सकता है, आप चाहो तो उस फॉर्मेट में लिख लो रिएक्शन को, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक, ये एक रिएक्शन हो गई। तो अब यहां पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओ, जैसा हमने अभी सीखा, अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ए किसके इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के, और इक्विवेलेंट्स ऑफ बी किसके इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ सी के, और इक्विवेलेंट्स ऑफ सी किसके इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ डी के। तो ये तो हुआ फर्स्ट रिएक्शन पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब यही सी आगे काम में आ रहा है, ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए भी हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहां क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ सी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ, ऐसा करो ई और एफ कर दो इनको, तो सी प्लस ई गिव्स एफ, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इक्विवेलेंट्स ऑफ ई के बराबर होने चाहिए और इक्विवेलेंट्स ऑफ ई किसके बराबर होने चाहिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ एफ के। तो इन दोनों रिएक्शन पे हमने अलग अलग इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा लिया। अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इक्विवेलेंट्स ऑफ डी इक्विवेलेंट्स ऑफ बी और इक्विवेलेंट्स ऑफ ए के बराबर है, और अगर इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इक्विवेलेंट्स ऑफ ई और एफ के बराबर है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ ई और इक्विवेलेंट्स ऑफ ए ले लो या बी ले लो या डी ले लो, वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल, मतलब ये सारे इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इन दोनों को कंबाइन करने पर इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा कि भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ ए is equals to equivalents of B is equals to equivalents of C is equals to equivalents of D is equals to equivalents of E is equals to equivalents of F होना चाहिए। मतलब यहां पर इन सबके equivalents क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, हाँ होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, उस कंडीशन में कि जब इस रिएक्शन में C का n factor और इस रिएक्शन में सी का इन्फेक्टर क्या है, सेम। अगर दोनों रिएक्शंस में सी का इन्फेक्टर सेम है तो इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, अदरवाइज वो बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर हमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, दैट इज इफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, सॉरी नॉट इक्विवेलेंट्स, इफ एन फैक्टर ऑफ सी इज सेम इन बोथ द रिएक्शंस, अगर दोनों रिएक्शंस में सी का एन फैक्टर सेम है तो फिर ये हमेशा वैलिड होगा,
इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के बराबर होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ बी सी के बराबर, सी डी के बराबर, डी ई के बराबर, ई एफ के बराबर। ठीक, तो देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये ऐसे फील नहीं आएगी। जैसे एक रिएक्शन है, मान लो मैं रिएक्शन करवाता हूं आई माइनस की एम एन ओ फोर माइनस के साथ, तो ये बनाएगा आई टू प्लस एम एन टू प्लस, है ना, एसिडिक मीडियम में है। अब ये जो आई टू बना, ये I2 फर्दर हाइपो से रिएक्ट करता है, दैट इज एस टू ओ थ्री टू माइनस, और क्या बनाएगा 2I माइनस प्लस एस फोर ओ सिक्स टू माइनस। सही है, चलो वापस से रिएक्शन रिपीट करता हूं, ऐसी एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने। रिएक्शन इज दिस, I माइनस प्लस एम एन ओ फोर माइनस changes to I2 plus, मैं आपको देता हूं MN2 plus, फिर ये जो I2 बनी ये OH minus से react करके बना रही है I minus plus IO3 minus। ठीक, तो हमको equivalence relate करना है, तो ये चीज अपन numerical में काम में लेंगे, जब हमें equivalence दिए गए होंगे उनको relate करना होगा। बट अभी जो मैंने आपको सिखाया, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखो I माइनस से यहां I2 बन रहा है, ठीक, यही I2 वापस से आगे काम में आ रही है। सेम चीज यहां I माइनस से I2 बन रहा है और यही I2 वापस से आगे काम में आ रही है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, जैसे मान लो मुझे MnO4 माइनस और H2O3 टू माइनस के इक्विवेलेंट कनेक्ट करना है, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि भाई MnO4 माइनस से I2 बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस will be equal to ये जो I2 बन रही है, equivalents of I2, और यही I2 आगे काम में आ रही है, तो equivalents of I2, equivalents of hypo के equal होने चाहिए, लेकिन सिर्फ कब होंगे, हाँ जब दोनों reactions में I2 का infector same होगा, तब आप पहचानो I2 का infector same होगा या नहीं। मैंने आपको infector निकालना सिखाया था, इसका infector निकालना है तो आप इधर से इधर चले, तो देखो आप जीरो से कहां पहुंचे, माइनस वन, बताओ कितने का चेंज, वन, 1 इंटू टू, इसका इन्फेक्टर कितना हो गया 2। आपको यहां I2 का इन्फेक्टर निकालना है, देखो I2 गया I2 से I माइनस, ठीक, तो बैलेंस लेते छोड़ो, तो ये 0 से फिर कहां पहुंच गया, माइनस 1, 1 इंटू टू कितने का चेंज 2, तो देखो I2 का इन्फेक्टर यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, इन्फेक्टर सेम है, इसका मतलब इस यहां पर इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में I2 के इक्विवेलेंट सेम होंगे। अगर I2 के इक्विवेलेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, H2O3 2- माइनस के बराबर होंगे, और हम यहां से MnO4- माइनस और H2O3 2- माइनस के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शंस में I2 का इन्फेक्टर क्या है, सेम। सही है ना, और कभी कभी तो देखो जैसे इस रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोडक्ट भी सेम है, आई टू से आई माइनस, आई टू से आई माइनस, तो प्रोडक्ट सेम है तो इन्फेक्टर भी क्या आने वाला है, सेम, तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम सबके इक्विवेलेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूं जो मैंने आपको यहां बताया, फिर अपन इसको न्यूमेरिकल्स में और अच्छी तरह यूज करेंगे, तो अभी आपको याद बात नहीं रखना है, आप देखो समझो और भूल जाओ, मुझे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पर आते हैं, यहां पर आप देखोगे अगेन वही सेम रिएक्शन है, आई टू बन रहा है और आई टू ओ एच माइनस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आई माइनस प्लस आईओ थ्री माइनस। अब आप देखो ये रिएक्शन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई आई टू का इन्फेक्टर यहां सेम नहीं है, यहां तो आई टू का इन्फेक्टर आ जाएगा टू, क्योंकि I2 से I- बन रहा है, लेकिन यहां यहां I2 से I- प्लस IO3- दोनों बन रहा है। देखो I2 जीरो से, हाँ वेरी गुड, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, I2 जीरो से जा रहा है माइनस वन और प्लस फाइव जा रहा है, चेंज निकालो कितने का, हाँ वेरी गुड टू, यहां चेंज निकालो फाइव नहीं टेन, टेन टू इंटू फाइव कितना हो गया टेन, जीरो से फाइव पांच का चेंज ना, हाँ, और दो आयोडीन तो कितना हो गया टेन, बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए एन फैक्टर का फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, कितना फाइव इंटू टेन, सॉरी टेन इंटू टू, एन वन इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू आएगा। तब आप देखो यहां इन टू का इन्फेक्टर है टू, जबकि यहां इन्फेक्टर है फाइव बाय थ्री, सिंस इन दोनों रिएक्शन में आई टू का इन्फेक्टर सेम है, तो हम ये चीज इस रिएक्शन के लिए नहीं लिख सकते, मतलब हम ये तो बोल देंगे कि इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस
इक्विवेलेंट्स ऑफ आई टू के इक्वल होंगे, सही है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ आई टू इक्विवेलेंट्स ऑफ के ओ एच के या ओ एच माइनस के इक्वल होंगे, लेकिन इन दोनों को हम रिलेट करके ये नहीं बोल सकते कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एम एन ओ फोर माइनस और इक्विवेलेंट्स ऑफ ओ एच माइनस सेम होंगे। रादर हम ये भी नहीं बोल सकते कि यहां इक्विवेलेंट्स ऑफ आई टू और यहां इक्विवेलेंट्स ऑफ आई टू सेम होंगे, नहीं, क्योंकि दोनों जगह आई टू का एन फैक्टर अलग अलग है, तो आई टू के इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन से डील करोगे तो आपको मोल्स में डील करना होगा, किसके अंदर, मोल्स में डील करना होगा। खैर इसकी आप चिंता मत करो, ये मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, हम सॉल्व भी करेंगे, बस एक बार आपने देख लिया है तो अब आपको याद रहना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, फिर इन केसेस से अपन लोग डील करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ये दो तीन तरीके से हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिंस हमने सीख लिया है तो हम पहले बात करते हैं नॉर्मेलिटी के उन एस्पेक्ट से जो मैं आपके लिए कवर करने वाला था, फिर हम मूव करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट के न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे, जिन्हें हम टाइट्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइट्रेशंस। तो बात करते हैं टाइट्रेशंस की, लेकिन उससे पहले आपको नॉर्मेलिटी यूज करनी आनी चाहिए, उसमें आपको थोड़ा माहिर होना पड़ेगा, तो आप ये कॉपी करो, फिर हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी से। तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में, और सबसे पहला कंसेप्ट मेरे को आपको नॉर्मेलिटी के बारे में सिखाना है, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, सॉरी नॉट मिक्सिंग, तो मैं आपको सिखाता हूं नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक। तो जैसे आप लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा था, सेम वैसे हम नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक पहले से ही सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, तो सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 और इसका वॉल्यूम है v1, ठीक। अब आपने सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट किया, तो बताओ डाइल्यूट करने के लिए आपने इसमें क्या ऐड किया होगा, सॉल्वेंट यानी वाटर ऐड किया होगा, तो मान लो इसमें वाटर ऐड किया है, ठीक। अब वाटर ऐड करने पर क्या होगा, सिंस आपने सॉल्वेंट ऐड किया है तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो v1 से बढ़कर मान लो वॉल्यूम हो चुका है v2 और इसकी नॉर्मेलिटी कुछ हो चुकी है n2, तो फंडा सेम है। बताओ अगर हम यहां पर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो क्या सॉल्यूट के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो सॉल्यूट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सिंपल सा फंडा यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन के इक्वल, ठीक। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन होगा। तो आप यहां मुझे देखकर बताओ, अगर आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं बिफोर डाइल्यूशन तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n1 v1, बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, n2 into v2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप कभी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उस सॉल्यूशन के लिए n1 v1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n2 v2 के इक्वल होगी, बोलो कर सकते हो। तो पहली चीज डाइल्यूशन, जैसे आप मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन लिखते थे वैसे ही हम नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन लिखते हैं, और इसको यूज करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। तो आप एक क्वेश्चन लिखो यहां पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन formed on adding 0.1 ml of 0.1 normal H2SO4, ठीक। तो 0.1 ml of 0.1 normal H2SO4 to 1 liter of water, ठीक। तो एक लीटर वाटर में आपने क्या किया है, 0.1 ml ऐड किया है, किसका, 0.1 नॉर्मल H2SO4 का। तो इसने क्या लैंग्वेज बदल दी है, बाकी एक्चुअली क्वेश्चन डाइल्यूशन का ही है, कैसे है कि पहले एक सॉल्यूशन था, इसका वॉल्यूम था 0.1 ml H2SO4 और इसकी नॉर्मेलिटी थी 0.1, आपने इसको ऐड किया किसमें, एक लीटर वाटर के अंदर, तो देखो ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 1
लीटर प्लस 0.1 ml होगा 10 टू द पावर माइनस 4 लीटर, कन्वर्ट करोगे ना, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 लीटर दैट इज 1000 ml, ठीक। और फाइनल नॉर्मैलिटी आपको निकालनी है, तो सिंस हम यहां डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, बताओ n1 v1 किसके इक्वल होगा, n2 v2, n1 into v1 0.1 into 0.1 is equals to n2 into 10,000, sorry, सॉल्व कर लो, आपको n2 के लिए कितनी मिल जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 5 नॉर्मल, देखो 10 टू द पावर माइनस 2, 1000 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5 नॉर्मल। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ नॉर्मैलिटी ऑफ डाइल्यूशन, जब आप एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट्स आफ्टर डाइल्यूशन के इक्वल होंगे, ठीक। चलो तो नॉर्मैलिटी ऑफ डाइल्यूशन को सीखने के बाद, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने पहले भी की हुई है इसलिए मुझे इस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज जो मुझे आपको सिखानी है, दैट इज नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सिंग। क्या सिखाना है, नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सिंग, तो आप अपने नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सिंग, और ये भी बहुत आसान है और बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखो। सो नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सिंग, देखो क्या होती है नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सिंग, बात वही है, यहां पर आप दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स किया करोगे, ठीक। तो मिक्स करने से पहले कुछ चीजें आपको यहां पर सीखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सिंग, तो बहुत ध्यान से आप देखो जो चीज में आपको सिखानी है। मान लो HCl है, ठीक, तो HCl है, मान लो मैंने इस HCl का 50 ml लिया और इसकी नॉर्मैलिटी थी 0.1, कितनी थी 0.1। अभी तो एक और चीज मुझे आपको सिखानी है, चलो पहले इसकी बात कर लेते फिर बताता हूँ वो बात भी मैं आपको। तो अगर आप देखो तो 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, बताओ क्या आप यहां से HCl की इक्विवेलेंस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, तो 50 इनटू 0.1 इसके मुझे मिल गए 5 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक। अब बताओ ये HCl डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H+ + Cl- बनाएगा। अब आप देखो कभी भी जब आप इक्विवेलेंट से डील करो तो मोल की तरह मत करना कि इसके वन मोल से इसका वन मोल बन रहा है, इसका वन मोल डायरेक्ट, इसके 5 मिली इक्विवेलेंट से ये भी कितना बनेगा 5 मिली इक्विवेलेंट, और ये भी कितना बनेगा 5 मिली इक्विवेलेंट, जो मैं आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विवेलेंट हमेशा क्या आएंगे, सेम। ये तो आसान दिखता है, जैसे मैं यहां पर लिखूं H2SO4 चेंजेस टू 2H+ + SO4 2-, मान लो मैंने यहां पे H2SO4 यूज किया 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, ठीक। तो मैं दोनों एग्जांपल लेता हूं, एक में लेता हूं H2SO4 गिव्स 2H+ + SO4 2-, और यहां लिखता हूं 50 ml ऑफ 0.1 मोलर। तो ध्यान देना, यहां पर आपको दी हुई है नॉर्मैलिटी, यहां आपको दी हुई है मोलैरिटी, बताओ यहां से आप इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, 15 टू 0.1 कितना आएगा 5 मिली इक्विवेलेंट आएगा, बताओ यहां कितना आएगा 15 टू 0.1 क्या आएगा 5 मिली मोल्स आएगा, आ गया। अब आप देखो इसके 1 मोल से कितना बनता है 2 मोल, तो बताओ इसके 5 मिली इक्विवेलेंट से कितना बनना चाहिए, नहीं 10 नहीं बनेगा, हम किस में डील कर रहे हैं, इक्विवेलेंट्स में, इक्विलेंट्स में कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है, कोएफिशिएंट कुछ काम नहीं आएगा, मतलब इसके 5 मिली इक्विलेंट से भी आपको H प्लस कितना मिलेगा 5 मिली इक्विलेंट, और SO4 2 माइनस भी कितना मिलेगा 5 मिली इक्विलेंट ही मिलेगा। मोल्स कोएफिशिएंट से आप डील नहीं करोगे, कभी गलती से भी मत बोल देना इसके 5 मिली इक्विलेंट से इसका 10 मिली इक्विलेंट बनेगा, सब कचरा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिखाया तभी कि कोएफिशिएंट का इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कोई प्लेस नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये क्या है मिलीमोल। तो यहां आप कोएफिशिएंट को काउंट करोगे, मतलब 1 मोल से बनता है 2, तो 5 से बताओ ये कितना बनेगा 10 मिलीमोल, ये कितना बनेगा 5 मिलीमोल। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस दिखना चाहिए, जब आप नॉर्मैलिटी यूज कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट्स मिलते हैं, इक्विवेलेंट्स यूज करते टाइम आप कोएफिशिएंट की चिंता नहीं करते हो, बात समझ में आई।
जब आप मोल्स यूज करते हो तो फिर आपको कोएफिशिएंट से बात करनी होती है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हुई, इसको आप ध्यान रखें, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग में अपने काम में आएगी। और दूसरी, मैं आपको एक और चीज बताऊं, दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन। तो हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को लिख सकते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, देखो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर तो क्या बन गई, मोलैरिटी, ठीक। तो अगर ये मोलैरिटी हो गई है तो बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहां से क्या बन चुका है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें क्वेश्चन में वो मोलैरिटी दे देगा। तो मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो ये भी अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको भूलना मत। कभी कभी हम ना कंफ्यूज जाते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होगा या मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर होगा। तो आप नमन याद रखें, क्या याद रखोगे, नमन, नमन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक। तो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं आपको कि हम कैसे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग को यूज करते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, लेकिन अगर आप नॉर्मेलिटी में डील करो तो एक लाइन में अपने सारे आंसर्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, फटाफट से आप इसे कॉपी करो। तो देखो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग में अब आपको सेम वही केसेस हैं जो आपने पहले मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में भी पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक। तो हम दो तरह के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, पहली तो हमारे पास मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, ठीक। तो देखो नॉर्मेलिटी में डील करने का फायदा क्या होता है कि हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से काम चला लेते हैं, ठीक। तो पहले मैं आपको लॉजिक वाइज लेके चलता हूं, फिर वो लॉजिक क्या, वही लॉजिक भी है वही फॉर्मूला भी है, उसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग 300 ml ऑफ 0.1 molar HCl प्लस 1 molar नहीं 1 normal प्लस 200 ml ऑफ 0.1 normal या 0. से अपन ले लेते हैं 4 normal HCl ले, है ना, दो चीजें मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने दो सॉल्यूशन मिक्स किए, देखो ये भी HCl ये भी HCl, दोनों सेम सॉल्यूशंस हैं, तो दोनों सेम सॉल्यूशंस हैं तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपने इस सॉल्यूशन को मिक्स किया है, इस सॉल्यूशन को मिक्स किया है, तो आप देखो इसके अंदर कुछ इक्विवेलेंट्स होंगे HCl के, इसके अंदर भी कुछ इक्विवेलेंट्स होंगे HCl के। तो जब आप रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी की बात करोगे तो आप बोलोगे फाइनल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जैसे हम मोल्स में क्या करते थे, फाइनल मोल्स डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, फाइनल वॉल्यूम, ठीक। अब आप देखो यहां से HCl के इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, 300 × 0.1 दैट इज 30 milli इक्विवेलेंट्स, प्लस यहां से कितने आएंगे 80 milli इक्विवेलेंट्स, डिवाइडेड बाय बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 प्लस 200 कितना, 500 milliliter। अब आप देखो जब आप मिली इक्विवेलेंट्स में डील कर रहे हो, ये काम की चीज है, तो आपको वॉल्यूम को लीटर बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिली से मिली कैंसिल, ये बन जाएगा इक्विवेलेंट्स पर लीटर, तो 110/500, ठीक। तो आंसर आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करने पर 0.22 normal। कैसे करोगे, नीचे कभी भी 5 500 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 220, ये बन जाएगा 1000, नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.22 normal, सही है। तो या तो आप ऐसे लॉजिक से कर लो, या ऐसे देख लो, इसकी नॉर्मेलिटी थी n1, इसका वॉल्यूम था v1, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस दोनों ही सेम टाइप के हैं, दोनों ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को बढ़ाएंगे, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लus v2। तो यही नॉर्मेलिटी होगी HCl की। अगर आपसे बोलता है नॉर्मेलिटी ऑफ H+, तो यही नॉर्मेलिटी ऑफ H+ भी होगी,
क्योंकि H प्लस के इक्विवेलेंट यहां से कितने आएंगे 30, यहां से कितने आएंगे 80, दोनों को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। तो कुछ करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन तो मैंने किया, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो, मैं चाहता तो यही हूं, नहीं हुए तो बहुत अच्छा, हो गए तो आप एक नई चीज सीख कर जाओगे। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयंस इन अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग ml of 0.2 normal HCl plus कुछ 500 ले लेते हैं, 500 ml of 0.2 normal H2SO4। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर लाने की कोशिश करें। चलो तो किया कैलकुलेट, अभी देखो इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक कर देते होंगे, वही H प्लस के कोफिशियंट वाली, क्या बताता हूं देखो आपको, ये तो पक्का है कि ये भी नॉन रिएक्टिंग है, HCl H2SO4 दोनों ही एसिड है और दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड एसिड। अब आपको H प्लस की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो क्या होता है कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं, HCl बनाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस 60 मिली इक्विवेलेंट इसके, तो यहां से H प्लस भी मिलेगा 60 मिली इक्विवेलेंट और H2SO4 ये क्या बनाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस 500 × 0.2 ये कितना हो जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट 100 मिली इक्विवेलेंट। अब यहां गलती कर देते हैं भाई, अपन मिली इक्विवेलेंट्स में डील कर रहे हैं, पता नहीं मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं और आगे भी पता नहीं कितनी बार बोलता रहूंगा और फिर भी आप ये गलती कर सकते हो, तो मत करना यार, प्लीज मत करना है ना। कितनी बार देखो मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, मुझे बार बार ऐसे चिल्लाना पड़ता है ये नहीं करना है, हम तो यही करेंगे क्या कर लोगे, है ना, ये वाला सीन चलता रहता है। एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, मैं जिस चीज़ के लिए मना करता हूँ वो चीज़ आप सबसे ज़्यादा करते हो, सबसे ज़्यादा मैं ना ऐसे स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, स्टैम्प पे 2000 के नए नोट के ऊपर कि आप ये गलती करोगे, और फिर वही गलती स्टूडेंट्स करते भी हैं, फिर बोलते हैं सर हो गई वापस गलती, तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल ही सी रहा हूँ कि प्रभु मत करना, ये 100 मिली इक्विवेलेंट है तो इससे ये 100 मिली इक्विवेलेंट ही आएगा, 200 मिली इक्विवेलेंट नहीं आएगा, सिखा चुका हूं। इक्विवेलेंट से जब डील करते हैं तो कोएफिशिएंट की चिंता नहीं करते हैं। बताओ यहां पर H प्लस के टोटल इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, 60 यहां से, 100 यहां से, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका है 500 प्लस 300 इज 800, तो 160 अपॉन 800 सॉल्व कर लो, 0.2 नॉर्मल, ये आपके रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H प्लस होगा। तो जब नॉर्मेलिटी में आप डील करते हो ना, तो सिंस अपने को कोएफिशिएंट की चिंता तो करनी ही नहीं है, ये चाहे 2H प्लस दे रहा हो चाहे 50H प्लस दे रहा हो, इक्विवेलेंट्स तो सेम ही आने वाले हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं नॉर्मेलिटीज के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस चाहिए यहां से, तो वो सिंपल होगी N1V1 300 × 0.2 प्लस N2V2 500 × 0.2 डिवाइडेड बाय 800, सॉल्व कर लो, 160 अपॉन 80 वापस से कितना आ जाएगा 0.2 नॉर्मल, क्लियर है। बस ये हो गई आपके पास रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये है केस नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग का, जब सॉल्यूशन कैसे हैं नॉन रिएक्टिंग, क्या हो कि अगर सॉल्यूशंस रिएक्टिंग हो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अभी देखो जब ये नॉन रिएक्टिंग है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बढ़ रहे होंगे, जब दोनों रिएक्टिंग हो जाएंगे तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे कम, तो उसमें भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो केस लेते हैं अपन सेकंड केस इज मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस तो आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को आपस में क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं, मतलब पहले आपको मैं पॉइंट बता दूं
कि आपने ए और बी को मिक्स किया है, ये चलो क्वेश्चन ही करते हैं, क्या पॉइंट लेना, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपने मिक्स किया मान लो 500 ml, ठीक, 500 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl को आपने मिक्स किया मान लो कुछ 250 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH के साथ, ठीक है। ऐसे करते हैं, HCl की जगह H2SO4 ले लेता हूं मैं, और आपको फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक। तो अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप बताओगे, वो जो स्पीसी बचेगी उसके रिस्पेक्ट में, अगर देखो जैसे H2SO4 है और NaOH है, तो H2SO4 और NaOH दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, करेंगे। तो अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर लेना, Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। लेकिन सिंस मैं इक्विलेंट्स में डील करूंगा, तो इक्विलेंट्स के लिए यही बात है, इक्विलेंट कंसेप्ट जब आप यूज करते हो तो वहां अपने को रिएक्शंस बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी चीज मैं आपको आगे भी यूज करके बताऊंगा, यहां तो मैं बात करता हूं। आप H2SO4 के मिली इक्विलेंट्स निकालो, आएंगे 50, और आप NaOH के मिली इक्विलेंट्स निकालो, सेम आ गए, लफड़ा हो जाएगा उस केस में, तो फिर नॉर्मेलिटी अपन नहीं बता पाएंगे उसमें, फिर इसकी नॉर्मेलिटी बताएंगे Na2SO4 की, वही बता दूंगा। चलो मैं आपको केस, तो इसको अपन 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके मिली इक्विलेंट्स हो गए 25, तो 50 मिली इक्विलेंट्स H2SO4 के और 25 NaOH के, बताओ कौन बचेगा, H2SO4 बचेगा, क्योंकि इसके मिली इक्विलेंट कम है, तो इसके 25 इसके 25 से रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन इसके 25 बच जाएंगे। तो सॉल्यूशन में 25 मिली इक्विलेंट H2SO4 के बचेंगे, अगर बचेंगे तो जो नॉर्मेलिटी होगी फाइनल सॉल्यूशन में वो H2SO4 की होगी, कितनी, मिली इक्विलेंट्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 750। तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 1/30। ये हो गई इस सॉल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों के मिली इक्विलेंट्स निकाल लो, देख लो कौन बच रहा है, उसकी वजह से आप उसकी नॉर्मेलिटी बता सकते हो। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहो तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब हम इक्विलेंट्स यूज करते हैं तो हमें कोएफिशिएंट्स की चिंता नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि 2H+ आ रहा है या 3H+, इक्विलेंट्स तो क्या आने वाले हैं, सेम। तो एक स्पीसी के इक्विलेंट्स निकालो, उसमें से दूसरी के इक्विलेंट्स को माइनस कर दो, आपको सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया है, और उसको फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। जैसे यहां अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, 500 इंटू 0.1 N1 इंटू V1 माइनस 250 इंटू 0.1 अपॉन V1 प्लस V2। यहां से आपको दिख जाएगा कौन बच रहा है, तो जिसका N1 V1 ज्यादा है वो बचेगा, मतलब नॉर्मेलिटी जो आएगी वो आएगी 1/30, और ये किसकी होगी, H2SO4 की नॉर्मेलिटी होगी। तो ऑल्दो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको कहीं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग यूज करनी पड़े तो रिएक्टिंग है तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, और अगर नॉन रिएक्टिंग है तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये बात रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग के केसेस में, अभी मैंने डेटा बदल दिया था, यहां पे आया था 0.2 नॉर्मल, तो अगर ये 0.2 नॉर्मल होता तो क्या होता, तो मैं रिएक्शन वापस लिखता हूं, देखो H2SO4 प्लस NaOH क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2। ऐसे ना कुछ चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, तो मान लो इसका भी 5 मिली इक्विलेंट है, इसका भी 5 मिली इक्विलेंट है, इसका वॉल्यूम था मान लो 100 ml, इसका भी था 100 ml। अब आप देखो कौन बचेगा, कोई नहीं, ये भी पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म, तो आप क्या बोलोगे, क्या नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जीरो है, नहीं है, एसिड नहीं है वहां, बेस नहीं है, लेकिन ये सॉल्ट भी तो बनेगा भाई। अभी हमने किसकी नॉर्मेलिटी निकाली, एसिड की या फिर बेस की, अगर दोनों बराबर अमाउंट में है तो सॉल्यूशन में सॉल्ट बचेगा। अब बताओ इसके 5 मिली इक्विलेंट से ये बनेगा भी कितना, 5 मिली इक्विलेंट, तो अब जो नॉर्मेलिटी होगी वो इस Na2SO4 की होगी, और वो कितनी होगी, 5/200, दैट इज 1/40।
आ रही ना बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि दोनों बराबर हो गए तो आप नॉर्मेलिटी को जीरो बोल दोगे। अगर एसिड बेस पूरे पूरे खत्म हो रहे हैं तो फिर जो सॉल्ट बनेगा उसकी वजह से आप क्या निकालोगे, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो कर सकते हैं। तो ये था नॉर्मेलिटी से डील करना। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, बताया था नमन। तीसरा आपने सीखा नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे चेंज होती है। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो हम या तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स में डील कर सकते हैं या आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकते हो, N1V1 - N2V2 / V1 + V2 फॉर रिएक्टिंग एंड N1V1 + N2V2 / V1 + V2 फॉर नॉन रिएक्टिंग। ठीक, मोलैरिटीज में आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हो क्योंकि मोलैरिटीज में सब कुछ कोफिशियंट पे डिपेंड करता है लेकिन नॉर्मेलिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। आज मैंने आपको नॉर्मेलिटी से मिलवाया, मैंने आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिखाया जिसका एक्चुअल यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आज तो मेरे को आपको नॉर्मेलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने थे जो मैंने आपको सिखा दिए। इसके साथ आपको आपकी वर्कशीट मिल गई होगी, तो उस वर्कशीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट कंसेप्ट के रिगार्डिंग। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना अच्छे से, बड़े आसानी से आप इनसे डील कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग खत्म करते हैं अपने आज के लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे टाइट्रेशन से। किससे शुरू करेंगे? टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस क्या होती है, क्यों हम उन्हें पढ़ते हैं और कितने टाइप की टाइट्रेशंस होती हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।